नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने मुकेश में नीता अंबानी कल्चरल सेंटर का किया उद्घाटन। उद्घाटन के लिए नीता अंबानी को दी बधाई। पीएम ने सीबीआई से कहा कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, जिन पर एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर, पर काम से फोकस न हटने दें। पीएम मोदी को केजरीवाल की चिट्ठी, कहा बुजुर्गों को रेल किराए में छूट दे, बात नियत की है, सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। नवजोत सिद्धू सिक्योरिटी हटाने पर भड़के, बोले मेरे साथ मूसेवाला जैसा सलूक हो रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ली गई, 13 गनमैन रह गए। देवगौड़ा की बहू हासन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर अड़ी, बेटे ने पूर्व पीएम एचडीएफ देवगौड़ा पर छोड़ा फैसला। यूपी भाजपा का बड़ा फैसला, बीजेपी ने एमयू के वीसी तारिक मंसूर और नृपेंद्र मिश्र के बेटे समेत 6 लोगों को बनाया एमएलसी। दागे उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी सपा, निकाय चुनाव बरेली प्रभारी बोले जिसकी छवि खराब उससे कोई वास्ता नहीं। हंसराज विश्वकर्मा भाजपा से एमएलसी मनोनीत, भाजपा की सूची में शामिल बनारस के जिलाध्यक्ष के नाम पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बोले जल्द सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखेंगे बात। निकाय चुनाव के बहाने यूपी में जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जदयू, 9 अप्रैल को बैठक में होगा मंथन। महिलाओं को रमजान में गाने चलाने पर सजा, तालिबान ने रेडियो स्टेशन बंद करवाया, कहा ये इस्लाम के कानूनों के खिलाफ। ट्रंप पर मुकदमे के पीछे अरबपति सोरेस, उन पर अमेरिकी की जज को 8 करोड़ देने का आरोप, मोदी को अलोकतांत्रिक कह चुके हैं। फिनलैंड में प्रधानमंत्री सना बेरिन की पार्टी हारी, दक्षिणपंथी पेटेरी और प्रोन बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, जीतने के बाद बोले पुतिन यूक्रेन से बाहर निकलो। प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर दिखी फ्रांस की मंत्री, गे और महिलाओं के अधिकारों पर 12 पेज का इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री, बोली ये गलत हरकत। जापान के स्कूल में भेदभाव, जापानी स्टाइल में बाल नहीं कटवाए तो स्टूडेंट को अलग बैठाए, डिग्री देने से भी इनकार। जयसूर्या ने पोस्ट की 27 साल पुरानी ऑडी की फोटो, लिखा गोल्डन मेमोरी 1996 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर मिली थी। अंपायर ने न्यू बाल दीदी, खिलाड़ियों ने चाकू मारे, ओडिशा में फेनरी मैच के दौरान हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। आईपीएल 2023 के पहला मैच हारने वाली केआरके को लगा बड़ा झटका, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए शाकिब अल हसन। गायकवाड़ और कांवे का बड़ा कमाल, सीएसके के लिए सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग साझेदारी करने का बनाया रिकॉर्ड। संजू सैमसन ने हैदराबाद के खिलाफ खेली तूफानी पारी, फैंस बोले उन्हें टीम से बाहर कैसे रख सकते हैं। नवाजुद्दीन के बच्चों की कस्टडी फिलहाल एक्स वाइफ को मिली, 45 दिन बाद फिर सुनवाई, कोर्ट ने दोनों को समझौते की सलाह दी। मलाइका ने किया चक्की चलनासन, कंधे पर चोट के बाद भी मिस नहीं किया योग सेशन, हाथों में गुलाब लेकर योगा सेंटर बाहर हुई स्पॉट। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने सदन जस्टिस पेपर पर निशाना, आयशा उमर बोली हमें इनका नॉलेज बढ़ाना चाहिए। ने
नेहा शर्मा ने बहन आयशा के साथ किया वर्कआउट, जिम के बाहर स्पॉट हुई दोनों बहनें, कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए दी पोज। जानवी ने किए तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन, बहन खुशी और यूमर्ट बॉयफ्रेंड शिखर भी रहे मौजूद, ट्रेडिशनल लुक में दिखी बेहद खूबसूरत। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।